हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पॉमफ्रेट मसाला फ्राई। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और टेस्टी है, तो चलिए बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मैंने 300 ग्राम पॉमफ्रेट लिया है, दो मीडियम साइज़ पॉमफ्रेट है और इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने इसे धो लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके दो तीन इस तरह से एक एक साइड में चीरा लगा देंगे। दोनों मछली में ही मैंने इस तरह से चीरा लगा दिया है, इससे इसमें मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाएगा। अब इसमें हमें डालना है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार, रोस्टेड धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, बेसन डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल। अब ऑयल के साथ सारे मसाले को मिलाते हुए मछली के ऊपर इस तरह से हमें लगा देना है। मछली के दोनों साइड में ही इसी तरह से मसाले को हमें मसाज करना है और दोनों मछली में मसाला अच्छे से लग जाए तब इसमें 1/2 लेमन जूस इस तरह से छिड़का देंगे और पलटते हुए दोनों साइड में ही लेमन जूस को डालने के बाद इसे हल्का सा मसाज कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। सारी चीज़ें अच्छे से मछली के ऊपर लग चुका है, अब इसे हमें फ्राई करना है। गरम पैन पे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हाई हीट पे गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए तब इसमें हमें मछली को डाल देना है। इसे हम मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद मछली को हमें पलट देना है और दूसरे साइड में भी 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। मछली जब अपने आप पैन छोड़ दे तभी इसे हमें पलटना है और दोनों तरफ से मछली अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे हम पैन से निकाल लेंगे। अब पॉमफ्रेट मसाला फ्राई को हम थोड़े से सैलड के साथ सर्व करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें।